तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल वाजपेयी और इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले डीबीएमएस के वो पांच कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज में, जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, और इनमें फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज अ ज्वाइन इन एसक्यूएल। सो ज्वाइन इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच इज यूज टू ज्वाइन और कंबाइन रिकॉर्ड्स और रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कॉलम बिटवीन देम। सो ज्वाइन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? ज्वाइन का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा जो टेबल्स होती हैं उनके रिकॉर्ड्स को आपस में मर्ज करके किसी एक तीसरी टेबल में दिखाना रहता है। और हम लोग दो या दो से ज़्यादा टेबल कैसे मर्ज करते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में कोई एक कॉमन कॉलम होता है उसके बेसिस पे हम लोग उनके रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और किसी तीसरी टेबल में दिखा देते हैं। ओके, सो ज्वाइन इज बेसिकली यूज टू मर्ज टू और मोर टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कॉलम। ओके, सी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो एज्यूम कर लो कि ये एक स्टूडेंट नाम की टेबल है और ये एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों टेबल से कुछ रिकॉर्ड्स उठाने हैं और उन्हें शो करना है किसी अलग टेबल में। मान लेते हैं कि हमें स्टूडेंट वाली टेबल से नेम उठाना है और डिपार्टमेंट वाली टेबल से हमें ब्रांच उठाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ज्वाइन का यूज़ करेंगे। तो ज्वाइन में क्या कहता है कि हम लोग दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा टेबल मर्ज तो कर सकते हैं लेकिन दोनों के बीच में कुछ कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो देखो इस टेबल में हमें क्या मिल रहा है? सीरियल नंबर, और इस टेबल में भी हमें सीरियल नंबर मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन कॉलम क्या है? सीरियल नंबर है। तो हम लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? ज्वाइन किया, ये हो गया कॉमन कॉलम, और हमें इस टेबल से क्या चाहिए था? नेम, हमने वो ले लिया, और इस टेबल से हमने क्या ले लिया? ब्रांच। अब चलो इसको देखते हैं कि हम लोग क्वेरी के थ्रू इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो सिंटेक्स क्या होता है कि सेलेक्ट सेलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम वन, टेबल वन डॉट कॉलम टू, मतलब हमें पहली टेबल से जितने कॉलम चाहिए हम लोग उनको कैसे लेंगे? टेबल वन डॉट कॉलम वन, टेबल वन डॉट कॉलम टू। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अगर हमें टेबल टू से कोई कॉलम चाहिए तो हम लोग कैसे लेंगे? टेबल टू डॉट कॉलम वन, टेबल टू डॉट कॉलम टू। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम टेबल वन उसके बाद ज्वाइन क्लॉज, टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट मैचिंग कॉलम। ठीक है, अब हम लोगों ने अपने केस में कैसे किया था? हमें क्या चाहिए था? हमें नेम चाहिए था। हम लोग क्या लिखेंगे? सेलेक्ट टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट नेम। स्टूडेंट टेबल से हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए, तो स्टूडेंट डॉट नेम। डिपार्टमेंट टेबल से हमें क्या चाहिए? ब्रांच चाहिए, तो डिपार्टमेंट डॉट ब्रांच। फ्रॉम स्टूडेंट उसके बाद ज्वाइन क्लॉज, डिपार्टमेंट ऑन। अब स्टूडेंट डॉट कॉमन कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। स्टूडेंट डॉट सीरियल नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट सीरियल नंबर। बस ये सिंपल सी क्वेरी है। इतना करने के बाद हमें ये जो टेबल थ्री है ये मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ज्वाइन। तो ज्वाइन चार तरह के होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और राइट ज्वाइन। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। तो देखो इनर ज्वाइन क्या करता है? इनर ज्वाइन बेसिकली हमें वही रिकॉर्ड्स उठा के देगा टेबल में से जो दोनों में कॉमन होते हैं। कॉमन इन द सेंस, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉमन कॉलम था, यहाँ पे सीरियल नंबर वन है, यहाँ सीरियल नंबर टू है, यहाँ भी सीरियल नंबर वन था, यहाँ भी सीरियल नंबर टू था, तो हमें सीरियल नंबर वन और टू के रिकॉर्ड्स मिल गए। अब मान लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट टेबल पे सीरियल नंबर वन और टू है लेकिन हमारे डिपार्टमेंट टेबल पे सीरियल नंबर टू से स्टार्ट हो रहा था, तो वन का तो रिकॉर्ड था ही नहीं डिपार्टमेंट में, तो हमें वन का रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो इनर ज्वाइन हमें वही रिकॉर्ड देगा जो दोनों टेबल्स में मैचिंग होते हैं। ठीक है, आ गया समझ। अभी लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? ये जो डायग्राम है ये लेफ्ट ज्वाइन का है। इसमें क्या शो हो रहा है कि लेफ्ट की जो टेबल है उसके तो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं लेकिन राइट टेबल के वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो लेफ्ट टेबल में मैचिंग है। तो सेम कॉन्सेप्ट है लेफ्ट ज्वाइन का। लेफ्ट ज्वाइन में वी गेट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दी टेबल वन एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल टू विच आर मैचिंग विद द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल वन। इसका अपोजिट होता है राइट ज्वाइन, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल टू, ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल वन। फाइन, और जो लास्ट है हमारे पास फुल ज्वाइन। सो दिस इज द डायग्राम फॉर फुल ज्वाइन। इसमें क्या होता है? दोनों टेबल्स के हमें सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। ठीक है, फाइन। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। सो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग रिडंडेंसी और रिपीटेशन ऑफ डेटा बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स और ब्रेकिंग लार्ज टेबल इनटू स्मॉल टेबल्स। सी इन नॉर्मलाइजेशन बेसिकली वी एलिमिनेट द रिपीटेशन ऑफ डेटा इनसाइड द टेबल। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट यू कैन टेल इन नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और रिड्यूसिंग रिडंडेंसी और रिपीटेशन ऑफ डेटा इनसाइड द टेबल। हम लोग कैसे करते हैं ये? हम लोग टेबल्स को, जो टेबल का डेटा होता है उसको मल्टीपल टेबल्स में
इंसर्ट करा देते हैं, या हम लोग किसी बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इससे जो डेटा होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये जो डेटा है इस यूज़र का, वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है, एक ही यूज़र का डेटा एक से ज़्यादा बार आ रहा है और वो एक ही रो में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोज को डिवाइड कर देंगे, हर एक डेटा के लिए एक न्यू रो बना देंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन में अपने डेटा को डिवाइड करते हैं। अभी नॉर्मल फॉर्म कितने तरह के होते हैं? सो मेजर जो है वो चार तरह के होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन दिस वीडियो, वी विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर नॉर्मल फॉर्म्स इन DBMS। फाइन, नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। सी, डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, ये तीनों कमांड्स का हम लोग यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ डिलीट करने के लिए। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है? डिलीट कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं अपने टेबल से कोई भी रो को डिलीट करने के लिए, लेकिन किसके बेसिस पे? किसी कंडीशन के बेसिस पे। ठीक है, देखो इसको हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास ये एक टेबल है और इसमें से मुझे केवल ये रो डिलीट करनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब कंडीशन क्या है, वेयर के बाद जो भी रहता है वो कंडीशन होता है, वेयर नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड। हमने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड। इतना करने से क्या हुआ, ये जो रो है वो डिलीट हो गई। अब इसमें मोर के कंडीशन लगा सकते थे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू टू। ठीक है, तो हम लोग किसी भी कंडीशन के बेसिस पे जब कोई रो डिलीट करते हैं अपने टेबल की, तो उसे कहते हैं, वहाँ पे हम लोग डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। अभी ट्रंकेट क्या होता है, ट्रंकेट कमांड, अभी हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी है, हमें अपने किसी एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, सारी रो डिलीट करनी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रंकेट कमांड का यूज़ करेंगे। देखो जैसे ये टेबल थी और इस पर हमने ट्रंकेट कमांड का यूज़ किया, तो इसके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो गए, पूरी टेबल एम्प्टी हो गई है। ठीक है, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, ट्रंकेट और टेबल का नाम। ठीक है, अभी लास्ट क्या होता है, ड्रॉप, हमें अपने डेटाबेस से पूरी की पूरी टेबल ही हटानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। ये टेबल थी, हमने ड्रॉप कमांड का यूज़ किया, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल डेटाबेस से डिलीट हो गई है, और इसका सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन एंड व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज। सो ट्रांजेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस, ग्रुप ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, रीड राइट या राइट रीड। ठीक है, तो इन्हीं के जो मल्टीपल ऑपरेशंस का जो ग्रुप होता है इसी को हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैन बी इनसाइड वन ट्रांजेक्शन। ओके, सो एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ दैट इंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ शेयरिंग डेटा अमंग मल्टीपल यूजर्स। ओके, ट्रांजेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग जो ट्रांजेक्शन यूज़ करता है उसे ही एसिड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, एसिड स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एक एक करके समझते हैं, ठीक है, इन चारों को। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, एटॉमिक मीन्स आइदर ट्रांजेक्शन शुड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट और इट शुड नॉट बिगन। ओके, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या तो वो पूरा खत्म होगा या तो फिर वो होएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन शुरू होगा और बीच में रुक जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड, कंसिस्टेंट डेटा मस्ट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर ए ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन के पहले जो डेटा था मतलब कंसिस्टेंट स्टेट में था, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ट्रांजेक्शन के पहले अगर मेरा डेटा, मेरे अकाउंट में ₹5,000 थे, तो ट्रांजेक्शन अगर ₹2,000 का विड्रॉल होता है तो ट्रांजेक्शन के बाद जो डेटा है वो अपडेट हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, 3,000 हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, आइसोलेटेड, आई स्टैंड फॉर आइसोलेटेड, सो नो अदर प्रोसेस कैन चेंज द डेटा वाइल ट्रांजेक्शन इज रनिंग। सी, इसका मतलब ये है कि पैरेलल में अगर दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन वर्क कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन को आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैरेलली ट्रांजेक्शन अगर रन हो रहे हैं तो उन्हें स्मूथली रन होना चाहिए। एंड लास्ट इज ड्यूरेबल, डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबल, सो दी चेंजेस मेड बाई ट्रांजेक्शन मस्ट परसिस्ट। ओके, सो इफ ट्रांजेक्शन हैज मेड एनी चेंजेस इन साइड डेटा बेस, सो इट शुड बी देयर। ओके, इट शुड नॉट बी चेंज्ड और इट शुड नॉट रिवर्ट इट सेल्फ। फाइन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज इन अ डेटा बेस। सो
आई हैव लिस्टेड सम कीज, ओके, इसके अलावा भी कुछ कीज होती हैं, तो बेसिकली मैं चार मेजर कीज बता देता हूँ, जिसमें से पहली है प्राइमरी की। सो प्राइमरी की बेसिकली टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ये हर एक टेबल में केवल एक ही होती है और इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, प्राइमरी की हमारी नल नहीं हो सकती, ठीक है। यूनिक की क्या होती है, यूनिक की इज़ ऑल्सो सिमिलर टू प्राइमरी की, इट ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर नल वैल्यूज हो सकती हैं और ये एक टेबल में एक से ज़्यादा यूनिक कीज हो सकती हैं, फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज कंपोजिट की, सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर यूनिक कीज डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड कंपोजिट की, ठीक है। एंड द लास्ट इज फॉरेन की, सो फॉरेन की किसी टेबल की ऐसी प्राइमरी की जो दूसरी टेबल में किसी टेबल की प्राइमरी की जो दूसरी टेबल्स के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की, ठीक है।